दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले चीन में 3 करोड़ युवक शादी के लिए घूम रहे हैं, लेकिन लड़कियों की कमी होने की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही है। देश में अविवाहिता पुरुषों की संख्या कुछ देशों की कुल जनसंख्या के बराबर है। बता दें कि चीन में 10 साल में एक बार होने वाली जनगणना से पता चलता है कि देश में लगभग 3 करोड़ अविवाहिता पुरुष हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बताया कि चीन ने लंबे समय से पुरुष शिशुओं को प्राथमिकता दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि जनगणना के नए आंकड़ों में लड़कियों की संख्या में मामूली वृद्धि आने के बावजूद भी चीन में लिंग अंतर का मुद्दा जल्द ही हल होने की संभावना दिखाई नहीं देती है। चीन की 7वीं राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना के मुताबिक पिछले साल पैदा हुए 1,02,00,000 बच्चों में से प्रत्येक 100 लड़कियों के लिए 111.3 लड़के थे। 2010 में यह अनुपात 118.1 से 100 था। प्रोफेसर स्टुअर्ट गिएटन बास्टेन बताते हैं चीनी परिवार बेटियों के बजाय बेटों की इच्छा रखते हैं। वो आगे बताते हैं कि आमतौर पर चीन में पुरुष अपनी उम्र से बहुत कम उम्र की महिलाओं से शादी करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती है वैसे वैसे और भी अधिक उम्र के पुरुष होते हैं, जिससे स्थिति और खराब होती जाती है। एक अन्य प्रोफेसर ब्योन एल्परमैन ने चेतावनी दी कि जब तक जन्म लेने वाले बच्चों की उम्र शादी करने की होगी तब तक संभावित दुल्हनों की भारी कमी हो जाएगी। उन्होंने कहा, पिछले साल पैदा हुए 102 करोड़ बच्चों में से 6 लाख लड़के बड़े होने पर अपनी ही उम्र की जीवन साथी नहीं ढूंढ पाएंगे। जनसांख्यिकी के प्रोफेसर क्वान बाओ ने कहा कि चीन की एक बच्चे की नीति 1969 में लागू की गई और 2016 में वापस ले ली गई, जिसने लड़कों के पक्ष में लिंग चयनात्मक गर्भपात की प्रथा को बढ़ा दी थी। इसमें निम्न वर्ग के पुरुषों को दुल्हन खोजने में सबसे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पब्लिक न्यूज डेस्क, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज के साथ।